Hey guys, welcome to my channel, प्रखर के vlogs। और आज तिलवा का त्योहार है, इसको कहते हैं सकट भी। जो औरतें इनके मतलब बच्चे हैं वो अपने बेटे के लिए अपने बेटे के लिए त्योहार व्रत रखती हैं पूरे दिन, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। और मम्मी भी मेरे लिए आज व्रत है, मम्मी इधर देखो और तैयारी कर रही है। लड्डू बनते हैं अलग तरह के, लिया के, तिल के और चने के। ये देखिए ये कौन से लड्डू की तैयारी कर रही है मम्मी? ये रामदाना है। ये देखिए रामदाना मम्मी तैयार कर रही हैं। भूनने का तरीका ही है। हाँ, ये भूनने का तरीका इसी तरह फैल जाता अभी है। इस तरह देखिए छोटा छोटा है ना, बड़ा हो जाता है। ये देखिए पॉप आउट कर रहा है इसे। फिर इसको गुड़ में करेंगे ना अभी और भी तरह के। हाँ ये देखिए इस तरह तैयार हो गया अब ऐसे। हाँ उछल रहा है। हम मम्मी इसको प्लेट में निकाल रही है, इसको रख रही है। जब इस तरह पूरा भुन जाएगा फिर मम्मी की मदद कर दूंगा मैं गुड़ में इसको, फिर लड्डू बनाएंगे इसके। हाँ लैया चने के और चने का लड्डू, तिल का लड्डू, हाँ, सूजी का, रवा के लड्डू, हाँ सूजी के, सूजी का, मूंगफली के, मूंगफली का, सबका अलग अलग वेराइटी का बनाना पड़ेगा। और मेरे घर में आज ही बनता है, जिस दिन व्रत रहता उसी दिन पूजा वाले दिन ही बनता है। आज मेरी तबीयत खराब है तो मम्मी की गला बैठा है। गला बैठा है बहुत दिन से। हम लोग गाँव गए थे, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी मम्मी की, खिचड़ी पे। हाँ खिचड़ी पे गए थे, आप पिछले वाला ब्लॉग देखिएगा। गोल्डन कप हुआ, जुकाम हुआ है बहुत। हाँ भाई तैयारी कर रही थी मम्मी, मदद करूंगा मम्मी की, आपको दिखाएंगे। फिर दूसरा जब तिल भूनूंगी और दूसरी वो भी आपको दिखाएंगे अभी। हाँ तो आगे ब्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। और शाम की पूजा वो भी दिखाऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। ये हमारा भारतीय कल्चर है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, जैसे करवा चौथ करते हैं पति के लिए, बेटे के लिए। ये सकट का, गणेश चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं रखता और कोई पूजा नहीं है। लड़कियां व्रत रखती है ना तो उनके लिए नहीं है। नहीं नहीं, मुझे लगता है लड़कियां फालतू है शायद, इसीलिए जो है लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं बना है, सिर्फ मेल यानी पुरुषों के लिए ही बना है, बेटे के लिए, पति के लिए। अब जो पहले का कल्चर आ रहा है वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, पापा हेलो कर दो, हम लोग पहले स्टार्ट कर चुके थे ब्लॉग। अब देखिए मम्मी तिल का लड्डू बनाने जा रही हैं। तिल भून रही थी पहले उसमें। ये देखिए ये तिल है, सफेद तिल है ना। हाँ दो के तिल होते हैं, काला एक ही वाला। मम्मी इसको अभी भून रही है, दोनों करेंगे मम्मी इसको। मम्मी अभी भून रही है कढ़ाइया में, इसमें गुड़ हो गया से उसको थोड़ा नीचे डाउन। हाँ ये देखिए मम्मी भून रही है। हाँ चावल भून रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ बकरा बनता है, जिसको काटा जाता है ना, बली दी जाती है बली। तो चावल का किसी क्या लैया तिल का होता है, मेरे यहाँ चखने हुए चावल और लिखा, इसको मैं भून रही हूँ अभी, खाता हूँ। इससे शाम को बनेगा बकरा, जिसको काटा जाएगा, बली दी जाती है बकरे की। गौरी जी इसको काटेंगी, कोई भी छोटी बच्ची कन्या जिसको कहते हैं वो काटती है। इसमें हम लोग पैसे रखेंगे और सब फ्रूट और हर सामान रखेंगे, फिर उस बच्ची को देंगे जो काटेगी, और इसका प्रसाद सब लोग खाते हैं। ये प्रथा है सकट की, गणेश चतुर्थी की, मतलब ये सारा गणेश भगवान की पूजा है, गणेश भगवान की सारी कथाएं भी गणेश भगवान की होंगी, पूरी कथा गणेश। मैं गुड़ डाल दिया है और देखिए गुड़ पक रहा है, दिखाते हैं। अब इसी में लड्डू बनाएंगे, फिर लड्डू बनाएंगे जैसे तार जैसे उठने लगेंगे। हाँ बुलबुले ना, बुलबुले नहीं, ऐसे तार ऐसे। अच्छा हाँ ऐसे करने का, हाँ स्टिकी हो जाएगा बहुत तब। ये देखिए अब लड्डू में इसी में करेंगे, मिलाएंगे लड्डू, फिर मम्मी मैं भी बनाऊंगा, मम्मी के साथ मदद करूंगा, दिखाएंगे आपको फिर भी आगे का प्रोसेस आगे। अरे हटो, भूत नहीं बनी है। भूत कहाँ लग रहे हैं? मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना, देखो ना बिना मेकअप के भी अच्छे लग रहे हैं। अरे मैं वो डाल गुड़, ये देखिए पापा इसको मिक्स कर रहे हैं गुड़, ये देखिए दिख रहा होगा गुड़। अब करेंगे फिर इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे, और थोड़ा घी, हाँ थोड़ा करेंगे इसको, फिर हाथ से बनाएंगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए मम्मी ने, आप इसमें दिखा रहे हैं, मम्मी ने इसमें गुड़ डाल दिया है दोबारा कढ़ाई में, दोबारा तिल के लिए।
अब तिल के लड्डू अब उसको शुरू करो। लो एको दो बोलो। फिर एक है पापा हाथ में घी लगा रहे हैं, मैं भी लगा दी, गौरी भी लगा दी, गौरी भी पापा बना रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखे गोल गोल लड्डू तैयार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हेल्प, सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं लड्डू बनाने में, बल्कि इस बार मैंने बहुत कम लड्डू बनाए हैं, बहुत ज्यादा कम, हमेशा कितना ज्यादा ज्यादा बनाती थी, इस बार मैंने बहुत कम बनाए हैं। हाँ तिल के लड्डू बन रहे हैं, छोटे छोटे करना, इस बार तो बहुत क्वांटिटी कम है हमारी हर चीज की, है ना। देखे गौरी, गौरी जो है प्रखर के ये फेवरेट लड्डू है ना प्रखर, लाइक लड्डू बन रहे हैं, तिल के बन चुके हैं, तिल का खाना बहुत मजा आ रही है। कैसा लग रहा है? मेरे तिल के और ये वाले लड्डू बहुत फेमस बोल रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, फेवरेट है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आपको पसंद है? हाँ। तो ठीक है, आप मेहनत करिए, पहले जल्दी जल्दी आप बनाने में हेल्प करिए, जिससे ये खराब ना हो, बन जाए। ये बन ही नहीं रहे, चिपक रहे हैं, बन जाएंगे, बन जाएंगे, बाकी सब बन रहे थे। ये है, हाँ अभी दो लड्डू और बनाने रह गए, वो दिखाएंगे आपको बाद में। ये है लैया के, ये तिल के और ये रवा के, टेस्टी लग रहे हैं। लड्डू गणेश भगवान का पूजा होगी। ये है बकरा, ये तो सामान है पूजा का, मम्मी अभी कथा सुनाएंगी। ये देखिए सामान, तुम्हें पूजा कर रही हूँ छोटी माता गणेश भगवान की। गणेश भगवान को और चारों माता को, गौरी माता को चढ़ा रही हैं। मम्मी कहानी सुनाने जा रही हैं, तो पहले की पूजा तो हो गई, अब सुनाने जा रही कहानी। बोला तो बोले कि मुझे भूख लगी है कुछ, मैं तुम्हारे घर आई हूँ, गणेश भगवान बोले तो मुझे कुछ खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पास तो क्या खाने को है, और जो मैंने ये लड्डू बनाए थे बथुए के और चावल के टुकड़ों के, तो आप यही खा लो रखे हैं बचे हुए दो दो चार, दिया सब फेंकवा दिया, तो तुमने झूठ के लड्डू बनाए, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। भगवान ने जैसे जिठानी को अच्छे दिन दिए, उसको खुद धन्य धाम और अच्छे से रखा, वैसे सबको करे प्रभु। जय गणेश भगवान, जय गणेश माता की जय हो, गौरी गणेश भगवान की जय। पास कुएं के पास वो रुकी जाके बारात, और बस शादी जहाँ हो रही थी तो वही मंडप में जब फेरे होने लगी, तो जब 6 फेरे हुए तो गणेश भगवान जी माड़क जो मंडप था उसको चीर के माड़ों को आ गए और लड़के को उठा ले गए, और उठा के वहां दूर कुएं के पास एक पेड़ था बरगद का, उसी में जाके उसके खोखले में छुपा दिए। जैसे वो पूरा करती है, यहाँ से पूरी बारात जाती है और भगवान वहाँ पे मंडप में फिर से बच्चे को लाके देते हैं, और उन्हें उनके बच्चे को वापस किया और गलती को माफ किया, वैसे प्रभु
हम सबकी भी गलतियों को क्षमा करे और हमारे बच्चे और सबको खुश रखे, सुखी रखे। जय गणेश भगवान, गौरी माता, सकट माता की जय, चतुर्थी माता की जय। रुपया पैसे और सभी चीजों से परिपूर्ण करे। जय गणेश भगवान की, गौरी माता की जय, चतुर्थी माता की जय, और संकल्प सकल चतुर्थी माता की जय। जय गणेश, जय गणेश देवा, ये जो फूल है ना, यहाँ से इसको ऐसे करके इधर का हिस्सा अलग कर देना। हाँ। मम्मी ने सबको प्रसाद दिया, सबने प्रसाद खा लिया और मम्मी ने आरती भी दी सबको। मम्मी यहाँ अंदर में भगवान के पास।